हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 12। बच्चों की डिमांड थी चैप्टर नंबर 4 और 12 पहले करा दिए जाएं, तो चैप्टर नंबर 12 मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उसको मैं पहले करा दे रहा हूँ। आज ही मैं कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 4 का भी एक लेक्चर आ जाए, ठीक है ना? तो परेशान बिल्कुल ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स फाइटो प्लांट्स, केमिकल प्लांट के अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स जिनसे हमको मतलब है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए अच्छे हैं, है ना? इंसान जो भी काम करता है अपने फायदे के लिए करता है ना। तो ऐसे कुछ दवाइयां मिल जाए, ऐसे कुछ ड्रग्स मिल जाए जिससे कि बीमारियां ठीक हो सके, तो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ यही ड्रग है, और फिर उसे बाहर निकालेंगे। तो किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच पड़ताल करके वही चीज बाहर आए, कोई दूसरा केमिकल बाहर ना आए, ये सब बातें इस चैप्टर में होने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। तो क्या कह रहा है ये? फाइटोकेमिकल्स आर केमिकल्स कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। जो केमिकल कंपाउंड प्लांट के द्वारा पैदा किए जाते हैं, है ना, प्लांट के अंदर बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल्स। अब क्या बोल रहा है? चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री के फील्ड में चैलेंज क्या है, क्या चीज में दिक्कत आती है? इंक्लूड उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? आइसोलेटिंग, हमें आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब इतने सारे केमिकल है उसमें से एक केमिकल को अलग कर देना, बाकी सारे अलग कर देना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंपाउंड है ना, केवल खास उसी को ही। एंड डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर भी जानना है। एंड आइडेंटिफाइंग व्हाट स्पेसिफिक फाइटोकेमिकल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। उसके बाद हमें यह भी जांचना है कि वो फाइटोकेमिकल हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या इफेक्ट डालेगा। तो है ना, बड़ा चैलेंजिंग काम। तो ये एक लाइन है यहां पर, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ बातें ना कुछ एक्सप्लेन की जाती है, कुछ बातें लिखी जाती है, ठीक है, लाइन कुछ बातें अपने तरफ बनानी भी आनी चाहिए। ओके, तो आगे अगर हम बात करें, लगभग 248,000 स्पीसीज ऑफ द हायर प्लांट हैव बीन आइडेंटिफाइड। लगभग 248,000 जातियां जो है प्लांट की खोई जा चुकी हैं, जिनमें से 12,000 प्लांट ऐसे हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, यानी कि वो किस ना किस तरीके से हम लोगों को ठीक करती हैं, हमारे बीमारियों को ठीक करेंगी। अब बात करें, यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो कह रहा है प्लांट कंटेंट टू टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल या टू टाइप्स ऑफ केमिकल बायोमोलिक्यूल कह लो इसको, या इसको क्या कह लो, केमिकल कह लो। दो टाइप के केमिकल पाए जाते हैं उसके अंदर, या दो टाइप के बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि दो जो कि एक केमिस्ट की नजरों से देखें तो दोनों ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। दोनों का रोल अलग अलग है, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हमको क्या चाहिए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का रोल थोड़ा सा अलग होता है, जो यहां पर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तुम लोग खुद समझ में आ जाएगा। तो आओ देखते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। क्या है ये? दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, ठीक है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली किसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में। यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन होता है, इसमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। इसकी बात करें, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, बट दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर डिफेंस पर्पज। इनका डायरेक्ट रोल नहीं है प्लांट के किसी उसमें, ना प्लांट की ग्रोथ में इनका कोई रोल है, ना प्लांट के रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल है। इनका जो रोल है वो किसमें आता है? डिफेंस पर्पस। डिफेंस पर्पस समझते हो? वो क्या करेंगे, एक खास केमिकल बना लेंगे कि कोई जानवर हमको चर ना जाए, ठीक है ना, आगे चर तो नहीं वो जानवर कड़वा सा कुछ बना लेंगे, लेकिन वो जो डिफेंस पर्पस के लिए केमिकल बनाते हैं वो हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। आओ देखें आगे क्या बोल रहा है ये। कह रहा है दे परफॉर्म फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं प्लांट की, रेस्पिरेशन है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज है, इन सब चीजों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। दे आर डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट।
ये जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट से मिलकर बनते हैं, सेकेंडरी कहलाए जाते हैं इसीलिए। ठीक है, दे आर सेम इन ऑल प्लांट, ये हर एक प्लांट में क्या है, सारे के सारे प्लांट में ये सेम पाए जाते हैं। दे आर यूनिक टू ईच प्लांट स्पीसीज, हर प्लांट में ये केमिकल कुछ खास होता है, सब में एक जैसा नहीं होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट एंड एक्सट्रैक्शन इज कंपेरेटिवली ईजी, ये बड़ी अमाउंट में बनते हैं और इनका जो एक्सट्रैक्शन है, इसको जो हम निकालेंगे प्लांट से, जो निकालने का प्रोसेस है वो क्या होता है, आसान होता है। दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट, ये प्लांट के अंदर छोटी क्वांटिटी में बनते हैं, कम क्वांटिटी में बनते हैं। एंड एक्सट्रैक्शन इज कंपेरेटिवली टफ, इनका एक्सट्रैक्शन बड़ा मुश्किल होता है। दे आर नॉट पॉइजनस, ये कभी पॉइजनस नहीं होते हैं। सम ऑफ दिस कंपाउंड्स आर पॉइजनस, इसमें से कुछ कंपाउंड्स हमारे लिए भी क्या है, पॉइजनस है। जैसे कि प्राइमरी में कौन कौन आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। अब समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल देख के बात समझ में आ रही होगी कि कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, बात समझ में आ रही है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, एल्कोलाइड, टैनिंस, रेजिन्स, गम्स एंड लेटेक्स, स्टीरॉइड, लिग्निन। अब बात समझ में आ रही होगी क्यों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिंपल से हैं, जो ये सारे जो ये तो न्यूट्रिएंट फैक्टर हो गए, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ना, तो हमारे में भी करते हैं। तो बात समझ में आ रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बेसिक डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्यों प्राइमरी बोला गया है और क्यों इनको सेकेंडरी बोला गया है। ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लियर हो गया, तो चलो चलते हैं अब आगे देखें और क्या बातें हैं थोड़ी सी। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री भी चलते हैं हम लोग, अगर इतिहास देखें फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का, तो क्या कह रहा है, बिफोर अबाउट 1800, 1800 से पहले, है ना, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 2100, 1800 से पहले की बात करें, ओनली स्लो प्रोग्रेस वॉज मेड इन फाइटोकेमिस्ट्री, बहुत ही धीमी गति थी। कारण क्या था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लोगों को जानकारी इतनी ज्यादा नहीं थी। अ फ्यू कंपाउंड सच एज केन सुगर, स्टार्च, कैम्फर, बेंजोइक एसिड हैड अ लॉन्ग बीन नोन, है ना, एज देयर प्रिपरेशन वॉज एक्सट्रीमली सिंपल, क्योंकि इनकी प्रिपरेशन बड़ी सिंपल थी, बड़ा ईजिली निकाला जा सकता था, इनको बनाया जा सकता था, तो इनको निकाल लिया गया, कोई दिक्कत नहीं थी इनमें। बट जैसे ही फिर हम लोग आते हैं 1747, सक्रोज वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम मैनी प्लांट, है ना, सक्रोज को कई सारे प्लांट से आइसोलेट किया गया, इंक्लूडिंग सुगर बीट, है ना, चुकंदर जो होता है अपना, बाय द जर्मन एपोथेकरी। एपोथेकरी होते हैं जो दवाइयों का, जो प्लांट्स आजकल तो लाइसेंस होते हैं, पहले जो लोग दवाइयों का एक तरह से कह लो कि रोजगार करते थे, दवाइयां बेचते थे, उनको एपोथेकरी कहा जाता था। ए एस मार्ग्राफ 1789, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इसको आइसोलेट किया। नाउ उसके बाद के डब्ल्यू शीले, ठीक है, वॉज हाईली सक्सेसफुल इन द फाइटोकेमिकल फील्ड एंड आइसोलेटेड सिट्रिक, गैलिक, मैलिक, ऑक्सैलिक एंड टार्टरिक एंड प्रूसिक एसिड, इतने सारे एसिड्स को ये क्या हुए, आइसोलेट करने में सक्सेसफुल हो गए। तो ये थोड़ा सा इतिहास है कि पुराने टाइम पर कौन कौन से केमिकल्स आइसोलेट किए गए थे। अब अगर 19th century की बात करें, इन द 19th century प्रोग्रेस बिकम मोर रैपिड, अब जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आगे वो भी बड़ा तेजी हुआ। इन 1803 नारकोटीन ध्यान रखना, द फर्स्ट अल्कोलाइड, पहला अल्कोलाइड था, वॉज आइसोलेटेड, इसको आइसोलेट किया गया। फिर उसके बाद मॉर्फिन, स्ट्राइसिन, एमिटीन एंड मैनी अदर फॉलोड रैपिडली, उसके बाद कई सारे जो थे वो केमिकल्स आइसोलेट किए गए। बिटवीन 1813 एंड 1823 शेवरियल एल्यूसिडेट द केमिकल नेचर ऑफ फैट एंड फिक्स्ड ऑयल, इन्होंने उसका फैट और फिक्स्ड ऑयल का केमिकल नेचर भी एक्सप्लेन कर डाला कि ये ऐसा इसके अंदर कुछ ऐसे होंगे, ये इसके अंदर ग्रुप लगे होंगे, ये ऐसा होगा, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह बना बनू के पूरा क्या कर दिया इन्होंने, एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है, पहले आइसोलेट कर लिया गया, फिर केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, डिस्कशन हो गया उनका, अब यहाँ पे गति पकड़ ली चीज़ों ने, है ना। तो थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास हमने जान लिया। नाउ अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बच्चों देखो, यहां पर एक थोड़ा सा ये रहेगा कि क्या है हमारे पास, दिस कि फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, इतना सा लिख करके हमारे सिलेबस में छोड़ दिया गया है। अब इसमें कौन सी प्रोसेस खास पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, एग्जैक्टली कुछ दे नहीं रखा है। तो हमने यहाँ पर क्या कोशिश की है कि जनरल चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है ना, क्या चीज़ें कवर हो जाए, जनरल चीज़ें एटलीस्ट कवर हो और सारी बेसिक नॉलेज हो।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए लेक्चर को क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो देखो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, हम लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, है ना, जो ड्रगिस्ट होगा या बॉटनिस्ट होगा, हाँ कि ये ड्रग इस प्लांट के पत्ते से मिलेगा, लकड़ी से मिलेगा, किससे मिलेगा, उसके टहनी से मिलेगा, रूट से मिलेगा, ऑथेंटिकेट कर रहा है। फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होता है मैं बता दूं, एक्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस, जैसे कि चाय होती है, चाय एक डिप वाली चाय होती है, देखिए पानी रहता है, दूध रहता है, उसमें डिप कर दो तो चाय पत्ती का जो अर्क होता है उसमें निकल के आता है, चाय में कलर आ जाता है, तो वो जो उसके अंदर से केमिकल निकल के बाहर आते हैं, ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। हमने उसके अंदर के खास केमिकल को बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बाहर निकालने के बाद, अच्छा जब बाहर निकालते हैं तो एक के साथ कई सारे केमिकल बाहर आ जाते हैं, हम उसे सेपरेट करेंगे, पहले सेपरेट कर देंगे, मान लो तीन चार पानी के अंदर तीन चार केमिकल बाहर आ गए तो बाकी को अलग, इसको अलग। फिर क्या करते हैं, आइसोलेट करेंगे, जो तीन चार बाहर केमिकल आ गए हैं इसमें से भी जो एक है केवल उसको अलग करेंगे, बिल्कुल आइसोलेट, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन, ठीक है। फिर उसका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, जो कंपाउंड हमने आइसोलेट कर लिया उसे कैरेक्टराइज करेंगे, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये एसिडिक है, बेसिक है, तमाम सारी चीजें होंगी। उसके बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं बायोसिंथेटिक पाथवे टू पर्टिकुलर कंपाउंड। वो बायोसिंथेटिक प्लांट के अंदर बनता कैसे है, ये है ना, बायोसिंथेटिक बोला गया है, नॉट सिंथेटिक, तो प्लांट के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू बनता है ये, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन, कितनी मात्रा में बनता है ये। जब ये सारी प्रोसेस चल रही होती है तो इसी के साथ पैरेलली और क्या चीज होती है, फार्माकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ द सेपरेटेड कंपाउंड विच मे इन सम इन्वेस्टिगेशन प्रीसीड द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन से पहले उसका फार्माकोलॉजिकल असेसमेंट कि हमारे ऊपर उसका क्या इफेक्ट आएगा हमारी बॉडी के ऊपर, ये भी किया जाता है। तो फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक बड़ा रूप है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, जनरल जो सिलेबस के हिसाब से थोड़ा देखा है, जो आगे अपना बी फार्मा का भी सिलेबस है, तो हम लोगों ने नॉर्मली क्या किया है, एक एक्सट्रैक्शन पार्ट को उठाया है, ठीक है, और फिर हम क्या उठाएंगे, जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो उसका क्या कहते हैं, किन किन केमिकल टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं कि वही केमिकल रहेगा, ठीक है। दो पार्ट इसके अंदर हम लोगों ने कवर कर रखे हैं और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इन्होंने केवल हेडिंग लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोसेस। तो बात करें अगर प्रोसेस की, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन देखो क्या होता है, सबसे पहले प्लांट का पार्ट लिया जाएगा, फिर उसको उस पार्ट में से केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जो एक्सट्रैक्ट आ जाएगा उसके ऊपर चलेगी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में वो सारे स्टेप थे पीछे वाले, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्या, एक्सट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी दो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम एक्सट्रैक्शन के बारे में पता कवर करेंगे थोड़ा सा, कि एक्सट्रैक्शन क्या है, कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ सॉल्यूबल मटेरियल फ्रॉम एन इनसॉल्यूबल रेसिड्यू विच मे बी लिक्विड और सॉलिड बाय ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट। तो क्या कह रहा है कि इसको ऐसे समझो, हम लोग क्या करते हैं, जो मैटर सॉल्यूबल है, ठीक है, अब जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि जैसे मैंने अभी बताया तुमको कि जो डिप वाली चाय होती है, या इवन चाय पत्ती मान लो भाई, चाय पत्ती तुम खोलते पानी में डालते हो, उसके अंदर से ब्राउनिश रेड कलर का केमिकल बाहर आता है जो चाय को कलर देता है, तो और बाद में तुम छान देते हो, तो छानने के बाद तो चाय पत्ती का रेसिड्यू, वो जो रेसिड्यू मतलब हो गया उसका बचा हुआ पार्ट, वो सॉलिड पार्ट अलग हो गया, उसके अंदर का केमिकल बाहर आ गया जो कि सॉल्यूबल था गर्म पानी में, ठंडे पानी में सॉल्यूबल नहीं था, वो किसमें सॉल्यूबल था, वो गर्म पानी में, गर्म पानी उस चाय पत्ती के अंदर घुस गया, उसने अंदर के केमिकल घोला और बाहर ले आया, बात समझ में आ रही है। तो ठीक वही बोल रहा है, ये डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ सॉल्यूबल मटेरियल, कैसा मटेरियल होगा, सॉल्यूबल मटेरियल फ्रॉम एन इनसॉल्यूबल रेसिड्यू, इनसॉल्यूबल रेसिड्यू, चाय पत्ती पूरी तो घुलती नहीं है, उसके अंदर कुछ केमिकल हैं जो सॉल्यूबल हैं, जो घुल जाते हैं, तो इनसॉल्यूबल में से सॉल्यूबल पार्ट को बाहर खींच लिया, विच मे बी लिक्विड और सॉलिड, अच्छा जो केमिकल को बाहर खींचा है वो जैसे चाय पत्ती सॉलिड होती है ना, और जो लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर के जो केमिकल होंगे वो लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो अंदर का जो केमिकल बाहर लेके आना है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, बाय ट्रीटमेंट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट चाय पत्ती के केस में सॉल्वेंट क्या है, पानी,
तो हम लोग कोई ना कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जो उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर उसको डिजोल्व करेगा केमिकल को, और उस केमिकल को लेके अपने साथ बाहर आ जाएगा। ये बेसिक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन की। और एक और तरीके से बात करें, अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन, अगर हम बिल्कुल ही एकदम उस पर चले जाएं, ये तो सिंपल सी बात कर ली हमने सॉल्युबल मटेरियल की बात में, बिल्कुल आ जाओ मेडिसिनल, हम लोग मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल में जो मेडिसिनली एक्टिव पार्ट है उसको क्या करेगा, टिश्यू को फ्रॉम इनएक्टिव कंपोनेंट, इनएक्टिव कंपोनेंट कौन सा हो गया, इनएक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे वाला पार्ट हो गया, इमेजिन करो जो चायपत्ती घुली नहीं थी, वो इनएक्टिव पार्ट, बेकार पार्ट है, थ्रू द यूज ऑफ सिलेक्टिव सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने इस्तेमाल किया, एंड स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। हमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत तरह की होती है, कौन सी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस किस में यूज करें, इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है, आगे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग हमारा कैसा है, चायपत्ती कैसी है, सॉलिड है, और कोई चीज लिक्विड भी हो सकती है, उस लिक्विड में से हमें कोई चीज निकाल के बाहर लेके आनी है, ठीक है। किस टाइप के ड्रग में से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, लिक्विड में से या सॉलिड में से, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में भी लिक्विड लिक्विड, अगर लिक्विड में से किसी को निकालना है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड डट जाएगा, सॉलिड के अंदर से कोई चीज निकालनी है लेकिन सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड ही रहेगा, तो लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहलाते हैं। ये भी अपने आप में दोनों बड़े टॉपिक है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये भी अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। ये यहाँ पे तो फिलहाल दो पार्ट में खत्म हो रहा है, ये एक्सट्रैक्शन दो टाइप से हो गया, ये अपने आप में बड़े टॉपिक है। अभी इनको लिखना चालू करें तो एक पेज इसमें भी आ जाएगा, एक एक पेज दोनों का, ठीक है। तो अभी क्या है, हमको अपने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वो एक जनरल वर्ड दे दिया, तो उसके हिसाब से बेसिक बातें सारी कवर भी हो जाए, कुछ छूटे भी ना। कुछ डेफिनेशन की बात कर लें जो बार बार तुमको यहां परेशान करेंगी। एक आएगा वर्ड मैंस्ट्रम, मैंस्ट्रम कुछ नहीं है, सॉल्वेंट को कहते हैं जो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, वाटर, अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, इथाइल एसीटेट, इन सबको। मार्क, जो चीज बाद में बच जाती है, जैसे कि मैंने बताया चायपत्ती से, चायपत्ती का जो मॉलिक्यूल तो आगे पानी में, बाद में जो हमें छाना चायपत्ती बच गई, फेंक देते, जिसको हम लोग, डेट इज कॉल्ड मार्क। द इनर्ट फाइब्रस एंड अदर इनसॉल्युबल मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो ये वर्ड को अच्छे से पॉज कर लो, वीडियो को दो मिनट सेट कर लो दिमाग में, क्योंकि बार बार मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा बोलूंगा मैंस्ट्रम और मार्क। क्लियर है, वीडियो पॉज कर लेंगे, दो वर्ड को माइंड में सेट कर ले, मैंस्ट्रम सॉल्वेंट, मार्क बचा हुआ पार्ट किसका, जिसके अंदर से केमिकल निकालना है हमको। आगे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इज कंट्रोल्ड बाय मास ट्रांसफर। अब ये भी एक प्रोसेस है मास ट्रांसफर, क्या होता है मास ट्रांसफर और समझ ले, क्या कह रहा है, इफ अ क्रूड ड्रग पार्टिकल इज इमर्ज्ड इन अ सॉल्वेंट। अब इसको ऐसे इमेजिन करो, वापस से चाय पत्ती पे आते हैं, कि वहां से हमको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। चाय पत्ती का हम लोग क्या करेंगे, एक सपोज एक चाय पत्ती का दाना लिया हमने, पानी में डाला खोलते हुए में, गर्म पानी में, तो गर्म पानी पहले उसके अंदर घुसेगा, ठीक है, घुसने के बाद उसके मॉलिक्यूल को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा, और फिर वहां पर क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, देखो ये चाय पत्ती, और इसके अंदर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये केमिकल है, ठीक है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला कलर लेते हैं, बाहर क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इसके अंदर घुसा, इसको डिसॉल्व करेगा और इसको फिर बाहर लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्वेंट इसके अंदर घुसा और फिर बाहर लेके आया, इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, मास ट्रांसफर, अंदर के मॉलिक्यूल बाहर लेके आ रहा है। एक सेल, इसको हम एक सिंगल सेल भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मॉलिक्यूल तब तक बाहर आते रहेंगे जब तक कि यहां और यहां दोनों का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। सबको पता है चीज तब तक इधर से उधर जाती है, जब तक एक तरफ ज्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तब तक पानी बहेगा जब तक वो चीज बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, तो भाई क्योंकि पानी लगातार यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो वही बात बोल रहा है। इफ अ क्रूड, क्रूड मतलब पता ही है, कच्चा, कच्चा मतलब जो रॉ होता है हमारे पास। इफ अ क्रूड ड्रग पार्टिकल इज इमर्स्ड इन अ सॉल्वेंट, उसको पानी इमर्स मतलब डुबा दिया जाए, टू बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, जिसको एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है, द सॉल्वेंट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनसाइड, सॉल्वेंट अंदर घुसना, पेनिट्रेट मतलब घुसना, अंदर घुसना स्टार्ट कर देगा इनसाइड द पार्टिकल, एंड सब्सिक्वेंटली फॉर्म सॉल्यूशन, और क्या बना लेगा, सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद
इसके अंदर, यहां इसके अंदर सॉल्यूशन बना लेगा। सॉल्यूशन पता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, घोल बना लेगा उसका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो उसके अंदर खास खास मॉलिक्यूल है जिनको हम लोग निकालना चाह रहे हैं विद इन द सेल, सेल के अंदर। दीज डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट एस्केप, एस्केप मतलब भागना थ्रू द सेल वॉल। अब ये वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज सेटअप। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम मतलब जितना इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग हो जाए। जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। बिटवीन द सॉल्यूशन इन द सेल्स एंड द फ्री सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम कहां सेटअप होना चाहिए, यहां और इसके अंदर, है ना, इन दो के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। यानी कि जितना इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग हो जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है होगा क्या, जितना मॉलिक्यूल बाहर आ रहा होगा उतना अंदर जा रहा होगा, फिर तो एक्स्ट्रा तो बाहर आएगा नहीं, फिर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द मास ट्रांसफर आर एजिटेशन, हिलाना। अगर मान लो चल रही प्रोसेस को हम हिला दें, ठीक है, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो, एंड दैट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू ब्रिंग अबाउट एन एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन। ये क्या करता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में पहले ही बता चुका हूं ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस, है ना, ये पार्ट ए है ये पार्ट बी है, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो, यहां मॉलिक्यूल ज्यादा है यहां मॉलिक्यूल कम है, तो जब एक डिफरेंस क्रिएट रहेगा तभी तो मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो थोड़ा ट्रांसफर होगा इधर से उधर, तो ग्रेडियंट क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। खिलाने से और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, ठीक है, अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल डिजोल्व होंगे जिसकी वजह से बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अंदर से ज्यादा मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएंगे। क्लियर है। नाउ स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो सबसे पहले हम साइज रिडक्शन करेंगे। साइज छोटा करना क्यों जरूरी है, जितना छोटा साइज होगा, साइज हम मान के चलते हैं जो सबसे अच्छा साइज माना जाता है लेकिन पॉसिबल नहीं होता है, कि हम इतना छोटा कर दें, जैसे मान लो एक लीफ है उसको इतना तोड़ लें कि एक एक सेल, एक एक सेल क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो सबसे अच्छा एक्सट्रैक्शन होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ये बात हम लोगों को पता है, है ना, क्योंकि एक सेल के बराबर उसको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छा बाहर से सॉल्वेंट उसके अंदर घुसेगा और केमिकल को बाहर निकालेगा। देन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब फिर प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रैक्शन की, जो टेक्निक नीचे हम बात करने वाले हैं। जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जैसे मैंने बताया चाय की पत्ती में से मॉलिक्यूल निकल कर छान लेते हैं, मॉलिक्यूल अलग, बेकार का पार्ट अलग फेंक दिया, फिर उसे कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट मतलब सुखाते हैं उसे, और फाइनली सुखाएंगे तो कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होने लगता है, ठीक है ना, थोड़ा पानी उड़ा देंगे, ठीक है, फाइनली उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सुखा लेते हैं। तो ये पांच स्टेप है किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, साइड रिडक्शन, एक्सट्रैक्शन, फिल्टर करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ड्राई कर लेंगे। तो फाइनली जब ड्राई करके जो पाउडर हमारे पास आ जाता है, ये पाउडर जो आ जाएगा, इस पाउडर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट, याद होगा ये प्रोसेस में हमने स्टार्टिंग में कहा था एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। ओके, नाउ जनरल टेक्निक्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्शन, मेडिसिनल प्लांट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, मैसरेशन, इन्फ्यूजन, परकुलेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, ये कुछ टेक्निक्स बहुत जनरल है। डिकॉक्शन वगैरह हम लोग आयुर्वेदा वाले जब पढ़ रहे थे टॉपिक उसके अंदर काफी इस्तेमाल किया था, ये चार पांच टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे, बहुत बेसिक से टॉपिक हैं, उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक बोला नहीं है कौन सा हमें पढ़ना है, लेकिन हाँ तीन चार हम जरूर पढ़ लेंगे, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो एक दो टॉपिक हम लोग उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहना चाहिए, बाद बाकी कितने सारी प्रोसेस हो सकती है उसको ध्यान में रखेंगे। अब मैसरेशन क्या होता है, ये तीन चार टॉपिक हम लोग डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इनमें से तुमको कितने हैं, करीब करीब 12 हैं, 12 में से 7-8 पक्के से याद कर लेने हैं, ठीक है, मैसरेशन, इन्फ्यूजन, परकोलेशन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, हॉट कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, एक्वस अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासाउंड एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन और फाइटोनिक एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, अब इसमें क्योंकि अब ये ऐसा है कि इसमें अगर तुम सोचो कि इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिख दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो डेफिनेशन मतलब 4-5 लाइनें आ जाएंगी, तो बेटर ये है कि हमको सिर्फ पता हो कि ये इतने सारे होते हैं और इनमें से अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो कोई भी उठा करके दो, तुम क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि पर्टिकुलर कोई मेथड यहां बोला नहीं गया है तो किसी नाम से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो बात समझ में आ गई।
अगर तुम लोग कोई खास पढ़ रहे हो तो जो तुम्हें इजी लगते हैं वो दो तीन याद कर लोगे, मैंने भी यहाँ पे तीन चार एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्लियर है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर का जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो सारे के सारे याद करने की जरूरत नहीं है डिटेल में, क्लियर है, ये जनरल मेथड हो गए। आगे आते हैं पैरामीटर फॉर सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्शन मेथड, बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, मेथड इतने सारे हैं, कौन सा अपनाए और क्यों अपनाए, क्या चीजें डिसाइड करेंगे कि हमें यही लेना है कि ये लेना है कि ये लेना है ना। तो उसके लिए बोल रहा है सबसे पहले बात होगी ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल बाय बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट बोलेगा कि हाँ इस वाले प्लांट के पत्ते में से ड्रग निकालना है, इस वाले प्लांट के वुड में से ड्रग निकालना है, तो क्या पार्ट इस्तेमाल होगा अभी हम देखेंगे, यहां पर आगे जाके डिफरेंस आएगा, जैसे इन्फ्यूजन है और डिकॉक्शन है। इन्फ्यूजन में जनरली हम प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, डिकॉक्शन में जनरली जो प्लांट के हार्ड पार्ट होते हैं उनके लिए डिकॉक्शन का इस्तेमाल होता है। तो देखो यही एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना, कि प्लांट का कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है ये डिसाइड करेगा। यूज ऑफ राइट प्लांट पार्ट द एज, अच्छा जो पार्ट बॉटनिस्ट ने बताया है वो सही होना चाहिए। प्लांट की एज क्या है, प्लांट की एज के हिसाब से केमिकल कई बार वेरी करते हैं, कम ज्यादा होते हैं, ठीक है। द टाइम सीजन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस टाइम उसको प्लांट को कलेक्ट किया गया है, क्या वो प्लांट अपने फुल मैच्योरिटी पे कलेक्ट किया गया है ना। एक टाइम ऐसा होता है प्लांट के अंदर कि अगर फुल मैच्योरिटी पे कलेक्ट किया गया तो उसके अंदर केमिकल सबसे ज्यादा है, पता चला बुढ़ौती पे आ गया, मरने के कगार पे था तब उस प्लांट को निकाला गया है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कुछ केमिकल की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। द नेचर ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टेंट, हम उसके अंदर हमें एक आइडिया है कि हाँ कि हम इसके अंदर याला केमिकल निकाल रहे हैं, उस केमिकल के हिसाब से भी हमारा एपरेटस में चेंज आ जाएगा। ग्राइंडिंग मेथड एंड पाउडरिंग टेक्निक, हमने किस मेथड से उसे ग्राइंड किया है और पाउडर बनाने का कौन सा टेक्निक हमने इस्तेमाल करी है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, पोलर और नॉन पोलर है ना, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे तो उसी के हिसाब से उसके अंदर सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखना पड़ेगा पोलर पोलर को डिजोल्व करता है, नॉन पोलर नॉन पोलर को डिजोल्व करता है, ओके। तो क्वालिटी ऑफ मेंस्ट्रम वाटर मेंस्ट्रम, देखो ये दोनों बातें कहीं ना कहीं आपस में लिंकअप है, ठीक है, कि हम लोग पानी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट के तौर पर क्या ले रहे हैं, ये डिसाइड कर है ना, कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके ऊपर भी डिसाइड करेगा कि हमारा एपरेटस कौन सा होगा। द डिजाइन ऑफ मटेरियल ऑफ फैब्रिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्टर, ठीक है ना, जो एक्सट्रैक्ट करने वाला एपरेटस वो किसका बना हुआ, ऐसा तो नहीं है कि कोई केमिकल ऐसा जो उसके एपरेटस से रिएक्ट कर जाए, ठीक है। एनालिटिकल पैरामीटर ऑफ द फाइनल एक्सट्रैक्ट, जो फाइनल एक्सट्रैक्ट होगा उसके ऊपर कौन से एनालिटिकल पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इनमें से ये जो 12 तरीके हैं इनमें से कौन सा तरीका अपना, ये 12 नहीं अभी और भी हैं, ठीक है, ये फिलहाल अभी 12 यहां पर, तो ये तीन चार मेथड है कि हम डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको ये सब देखते हुए एक्सट्रैक्शन मेथड को डिसाइड करना होता है। अब जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, सॉल्वेंट तो चाहिए, बिना सॉल्वेंट के तो एक्सट्रैक्शन बेकार हो जाएगा। तो सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्वेंट तो पता है ना क्या है, सॉल्वेंट का दूसरा नाम क्या है जो हम लोगों ने डिसाइड जो डेफिनेशन मैंने बताया था, डेट इज मेस्ट्रम है ना, मेस्ट्रम। तो सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड, जो बॉडी में एक्टिव कंपाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करना सक्सेसफुली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट, किस टाइप का सॉल्वेंट हमने लिया है, यूज इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इन्फ्लुएंस बाय व्हाट इज इंटेंडेड विद द एक्सट्रैक्ट, है ना, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी इच्छा क्या है एक्सट्रैक्ट के लिए, हम क्या करना चाहते हैं एक्सट्रैक्ट के साथ, ठीक है। अब गुड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, उसको टॉक्सिक नहीं होना है, ऑपरेशन हो जाए इजीली, है ना, मान लो एक्सट्रैक्ट कर लिया, हम उड़ाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं इजीली उड़ जाए तो बचा हुआ नीचे केमिकल रह जाएगा और पाउडर फॉर्म में हम कलेक्ट कर लेंगे। प्रिजर्वेशन एक्शन, उसका प्रिजर्वेटिव एक्शन हो तो और अच्छी बात है, ड्रग को प्रिजर्व करके रखे। इनएबिलिटी टू कॉज द एक्सट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स और डिसोसिएट, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो केमिकल को आपस में जोड़ दे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, या उसको तोड़ दे जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। रैपिड फिजियोलॉजिकल होना चाहिए, फिजियोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट के अंदर तुरंत घुस जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ये नहीं कि हमने डाल दिया अब घंटों बैठे हैं उसके अंदर घुस ही नहीं रहा वो, ठीक है। तो सॉल्वेंट की ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब कुछ सॉल्वेंट के एग्जांपल दे रखे हैं, चाहो तो एक एक याद रख सकते हो। वाटर, जैसे कि इसमें टैनिंस के लिए वाटर इस्तेमाल हो जाएगा, है ना, टैनिंस के लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा,
एंथोसाइनिन के लिए वाटर है, स्टार्च के लिए वाटर है, टैनिन के लिए इथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, फ्लेवनॉल के लिए इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं, सेपोनिन टैनिन के लिए मिथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटारोल के लिए मेथनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्पिनोइड के लिए क्लोरोफॉर्म है, अल्कोलाइड्स के लिए ईथर है, फिनॉल के लिए एसीटोन है। तो एक एक दो तो याद कर लोगे, और कुछ जो कॉमन है वो जैसे कि यहाँ पर टैनिन्स, टैनिन्स ठीक है ना, टैनिन्स ये तीनों ही कॉमन है, तो हम लोग टैनिन्स के लिए वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी एक बेस्ट होगा, अभी उन सब बारे में बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई, ये कुछ केमिकल्स हैं कि हम कौन सा सॉल्वेंट लेंगे जिसकी वजह से हमारा एक्सट्रैक्शन बेस्ट हो, है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, ओके। मॉडर्न नॉन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, आजकल वो थे थोड़े से पुराने टाइप के, अब थोड़ी से और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये कुछ उसके नेम यहां दे रखे हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं तुमको, बहुत ज्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाना। मॉडर्न है जो, है ना, हेड स्पेस ट्रैपिंग टेक्निक, स्टैटिक हेड स्पेस टेक्निक, वैक्यूम हेड स्पेस टेक्निक, डायनेमिक हेड स्पेस टेक्निक, सॉलिड फेस माइक्रो एक्सट्रैक्शन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, फाइटोसोल एक्सट्रैक्शन, प्रोटोप्लास्ट टेक्निक, साइमल्टेनियस डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन, माइक्रोवेव डिस्टिलेशन, कंट्रोल्ड इंस्टेंटेनियस डिकम्पोजिशन, थर्मो माइक्रो डिस्टिलेशन, माइक्रो डिस्टिलेशन, मॉलिकुलर स्पिनिंग, बैंड डिस्टिलेशन, मेम्ब्रेन एक्सट्रैक्शन, ये कुछ एडवांस मेथड आ गए हैं आज की डेट में हमारे पास, ठीक है। तो पता होने चाहिए, दो दो तीन तीन चार इनके नाम याद रख लेना, ठीक है, क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है, ओके। आगे आए अगर हम लोग तो देखते हैं क्या है, सम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, उसका एक मैंने चार्ट ही बना दिया है, ऊपर वाले भी ये वही है, क्या क्या है, इन्फ्यूजन, देखो मैं बता देता हूं यहां पर, इन्फ्यूजन क्या है, ये इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकुलेशन, डाइजेशन। अब इन्फ्यूजन भी फ्रेश इन्फ्यूजन हो सकता है और कंसेंट्रेटेड इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन सिंपल है उसकी कोई वैरायटी नहीं, मैसरेशन फर्दर तीन टाइम्स हो सकता है, सिंपल मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, मल्टीपल मैसरेशन, परकुलेशन फिर तीन टाइप्स हो सकता है, सिंपल परकुलेशन, परकुलेशन प्रोसेस फॉर कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशन, कंटिन्यूस परकुलेशन प्रोसेस, ये फर्दर दो टाइप्स से होगा, रिजर्व परकुलेशन प्रोसेस और मॉडिफाइड परकुलेशन प्रोसेस एंड देन डाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है बच्चों, ये मैंने वो बता दिए हैं जो ये स्टार्टिंग में, अच्छा ठीक है, तो एक मिनट चलते हैं, ये है ना जो मैंने, अच्छा इससे ही पहले है क्या ये, तो जनरल टेक्निक ऑफ मेडिसिन प्लांट यही सारे हैं, एक दो तीन चार उस चार्ट में जो बने हुए हैं, इसी के थोड़े से और आगे एडवांस थे वो मैंने वहां पे खोल दिए, डिस्कस नहीं करेंगे उनको डिटेल में, जस्ट थोड़ा सा क्या है पता होना चाहिए कि वो आगे भी खुल सकते हैं, मतलब और आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो चीजें एडवांस हो जाती हैं, तो इन्हीं चार पांच का हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। तो ये चार्ट चाहो तो याद कर सकते हो, एटलीस्ट ये चार्ट याद रहेगा तो कहीं ना कहीं तुमको वहां पर भी हेल्प मिलेगी। तो आओ एक एक करके हम लोग यहाँ पर इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैसरेशन प्रोसेस, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता हमको, प्लांट मटेरियल इज फाइनली कट, काट लिया उसको, क्रस्ट पीस लेंगे या ग्राउंड चूरा बना लेंगे इनटू मॉडरेटली कोर्स पाउडर, हल्के फुल्के पाउडर रूप में चेंज कर लेंगे उसे, प्लांट मटेरियल इज प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल, एक बंद बर्तन में, देखो कुछ इस टाइप से रहता है ना, ये देख लो बोतल टाइप की, ये इस टाइप से बंद बोतल में से हम डाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट मैस्ट्रम इज एडेड, उसको अंदर क्या डाल देंगे, सॉल्वेंट डाल देंगे, द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर ए वीक, कई बार वन वीक बोला जाएगा, तीन दिन बोला जाएगा, चार दिन बोला जाएगा, वन वीक स्टैंडर्ड रहता है, टाइम टाइम पे इसे हिलाते रहेंगे, द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छानेंगे और जो बच जाता है उसको भी दबा के निचोड़ लेंगे, सारा निचोड़ ले लिया जाता है, स्ट्रेन है ना। सॉलिड रेसिड्यू जो मार्क मैंने बताया था ना पीछे, इज प्रेस्ड टू रिकवर एनी रिमेनिंग लिक्विड, उसको क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, जो भी कुछ बचा कुछ होगा सब कुछ आ जाएगा, स्ट्रेन्ड एंड एक्सप्रेस लिक्विड्स आर मिक्स्ड, है ना, जो हमने छाना है और जो निचोड़ा है उन दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर लेंगे, लिक्विड्स आर क्लैरिफाइड थ्रू फिल्ट्रेशन और सब्सिडेंस, उसको फाइनली क्या कर लेंगे, लिक्विड को फाइनली फिर और छानेंगे तो थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया है तो वो भी अलग हो जाएगा, मेरे पास एक क्लियर फिल्ट्रेट आ जाएगा, उसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर के सारे केमिकल्स उसके अंदर निकल के आ चुके होंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये था मैसरेशन, सिंपल सी बात हो गई, ये तो हमको तो दिमाग में समझते हो गए, किसी भी चीज को पानी में डाल के रख दो जो घुल जाती हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर धीरे धीरे केमिकल निकल के बाहर आ जाएंगे, फिर उसको
क्या करेंगे, छान लेंगे, निचोड़ लेंगे, सारा केमिकल बाहर आ जाएगा, सिंपल मैस्टरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्यूजन प्रोसेस। अब देखो बच्चों इन्फ्यूजन में क्या होता है, मैस्टरेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता, तीन दिन, चार दिन, इन्फ्यूजन 15-20 मिनट, आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। सिंपल इसमें क्या रहेंगे, पानी खौला लिया, गर्म पानी ले लेंगे या गुनगुना पानी होगा, जैसे डिमांड होगी उसको लेकर के क्या करेंगे, जैसे मेरे पास ड्रग रहेगी, ठीक है, ये इसके अंदर ड्रग पड़ी हुई है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना मेरे को, इसके अंदर भर दूंगा पानी, ये पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी, है ना, वार्म और हॉट वाटर डाल के छोड़ दूंगा 15 मिनट के लिए और फिर छान दूंगा। फिर जो केमिकल निकल के आ जाते हैं, इस टाइप के केमिकल, इस टाइप की प्रोसेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, इन्फ्यूजन, क्योंकि आगे एक टर्म आएगा डिकॉक्शन, जिसके अंदर हम उबालेंगे, खौलाएंगे, लगातार हीट करेंगे, इसके अंदर लगातार हीटिंग नहीं है, केवल क्या है, गर्म पानी डाल दिया गया है या हॉट वाटर डाल दिया गया है या गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो देखो इन्फ्यूजन का मतलब क्या है, इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड और फ्लेवर, है ना, फ्रॉम प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट सच एज वाटर, ऑयल और अल्कोहल बाय अलाउइंग द मटेरियल टू रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट ओवर अ टाइम यूजली 15 मिनट, ठीक है ना। कहा जा रहा है इन्फ्यूजन एक प्रोसेस है केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, केमिकल कंपाउंड या कुछ फ्लेवर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डाल देंगे, सॉल्वेंट पानी, ऑयल, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, फिर छोड़ देंगे मटेरियल को थोड़ी देर के लिए, सस्पेंड मतलब जो लटक रहा है इसके अंदर मटेरियल सॉल्वेंट ओवर ए टाइम 15 मिनट के लिए लगभग, ये हम लोग छोड़ देते हैं ना मटेरियल को थोड़ी देर के लिए उसके अंदर, इस प्रोसेस को कई बार स्टीपिंग कहा जाता है। स्टीपिंग का मतलब होता है क्योंकि इसके अंदर से केमिकल निकल निकल के क्या हो रहे होते हैं, सॉल्वेंट में आ रहे होते हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या है, स्टीपिंग, विद ओकेजनल स्टीरिंग, बीच बीच में हिला भी सकते हैं, एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ द लिक्विड, और फाइनली उसको क्या कर लेते हैं, छान लेंगे। द मार्क इज नॉट प्रेस्ड, मार्क को हम लोग यहाँ पर निचोड़ेंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे, मार्क को हटा देंगे सिंपली। बात समझ में आई, हमने मैसरेशन में दबा करके निचोड़ा था मार्क को, क्लियर है? ओके, द बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज सॉल्वेंट, जो खोलता हुआ पानी होता है, पानी खोला लिया उतना गर्म और फिर वो डालते हैं, ठीक है, सिंस इट हैज अ ग्रेटर सॉल्वेंट एक्शन देन कोल्ड वाटर, ऑब्वियसली बात है गर्म पानी का एक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन द कॉफी पॉट्स और टी पॉट्स और स्पेशल इन्फ्यूजन पॉट्स, खास करके पॉट्स होते हैं, समझ लो चीनी मिट्टी के या चाइना मिट्टी वाले जो होते हैं पॉट, उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन डैट उसमें क्या है, पहले फर्स्टली ड्रग इज प्लेस्ड इन बॉटम, पहले ड्रग को रखा जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, पहले ड्रग रख लिया जाएगा और फिर पानी को डाल दिया जाएगा, ठीक है, देन एड हॉट वाटर एंड स्टीर्ड 3 or 4 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्यूजन, तो जितनी देर के लिए हमने उसको छोड़ा है तो 3 से 4 बार के लिए हम उसको क्या करेंगे, 3-4 बार हिला देंगे, ठीक है। इन्फ्यूजन आल्सो प्रिपेयर्ड इन म्यूसलिन क्लोथ होता है जिसमें कॉटन का कपड़ा होता है, इसमें पनीर वगैरह होता है, निचोड़ते हैं, कई बार क्या था उसके अंदर भर देते हैं और पानी के अंदर डिप कर देंगे। इन डैट ड्रग इज प्लेस्ड इन म्यूसलिन क्लोथ एंड इनक्लोज एंड देन सस्पेंडिंग इट जस्ट बिलो द लेवल ऑफ वाटर, मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लो ये है, यहाँ तक पानी था तो कपड़े से लेके ये ड्रग यहाँ पर इसके अंदर इतनी भरी हुई है, जस्ट सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ तक रख देंगे इसको। अब क्या रहेगा, यहाँ से केमिकल निकल निकल के बाहर आ जाएगा, बाद में हम इसे उठा के अलग कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, इन दिस प्रोसेस स्टीरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें बार बार हिलाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो ये जस्ट वैसा ही हो गया जैसे हम लोग खोलते हुए चाय में डिप वाली चाय जो होती है डिप करते हैं ना, ठीक वैसी प्रोसेस होती है ये। नाउ द डिकॉक्शन, डिकॉक्शन को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आयुर्वेदिक वाले चैप्टर मेरे पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, तो डिकॉक्शन हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है ना, जब वो बनाते थे च्यवनप्राश वगैरह बनाते थे, ठीक है। इन दिस प्रोसेस क्रूड ड्रग इज बॉइल्ड इन स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, हम लोग क्या करते हैं, मान लो सोलह एमएल पानी के अंदर, ठीक है ना, या 16 ग्राम वाटर या 16 एमएल पानी के अंदर 1 ग्राम क्या ले लेंगे, ड्रग ले लेंगे, ठीक है ना, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, तब तक खोलाएंगे जब तक कि पानी 1/4 ना रह जाए, ठीक है ना, यानी कि सीधी बात है ड्रग कितना भी ले लो, अगर 16 ग्राम वाटर है या 1:4 में लिया जाता है ड्रग, 16 ग्राम अगर क्या है या 16 एमएल पानी है तो 4 ग्राम ड्रग रहता है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, खोलाते हैं, ठीक है, फॉर अ डिफाइंड टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम इसे खोला लेंगे,
ठीक है, वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल का 1/4 रिड्यूस हो जाएगा खोलते खोलते, यानी 16 तो 4 ग्राम बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इट इज देन कूल्ड एंड स्ट्रेन्ड और फिल्टर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे निचोड़ लेंगे या फिल्टर कर लेंगे। दिस प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर सोल्यूबल एंड हीट स्टेबल कॉन्स्टेंट। जो पानी के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि लगातार हीट देनी पड़ती है और हीट से वो केमिकल खराब ना होते हों, उनके लिए तो डिकॉक्शन प्रोसेस अच्छी है। अब बात आती है, अगर दोनों में एक पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या अंतर है इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में। छोटा सा डिफरेंस फटाफट देख लेते हैं। प्लांट, या मैंने बताया था इसके अंदर कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट और इसके अंदर हार्ड, ठीक है ना। मैस्टम की बात करें तो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर खोलते हुए पानी में ही डालेंगे हमेशा। प्रोसीजर इन्फ्यूजिंग द ड्रग विद हॉट और कोल्ड वाटर, यहाँ पे हमेशा बॉइल वाटर का इस्तेमाल होगा, है ना, पानी खोलाया जाएगा हमेशा, क्योंकि पानी को हमें 1/4 तक रिड्यूस करना है। टाइम की बात करें, अगर कैलकुलेटेड एज सून एज वाटर इज एडेड टू ड्रग, जैसे ही पानी को ड्रग में डाल दिया टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब पानी खोलना स्टार्ट करता है तब टाइम नोट करना स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनल वॉल्यूम हमें जो ड्रग में चाहिए इतना रह गया, पानी कई बार कम ज़्यादा हो जाता है तो फाइनल एडजस्टमेंट करते हैं। एपरेटस, यहाँ पर इन्फ्यूजन अर्थवेयर पॉट, खास तरह के पॉट होते हैं, इसमें कोई भी कवर्ड एपरेटस हो सकता है, ठीक है, हमें पानी खोलाना ही है केवल। स्टोरेज की बात करें, यह हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया जाता है, 12 घंटे के अंदर इसको ही फ्रेश इस्तेमाल कर जाते हैं, और अगर स्टोर करना पड़ रहा है रेफ्रिजरेटर में तो कुछ ही दिनों के अंदर हमें इसको इस्तेमाल कर लेना होता है। ये अंतर है इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में। बात समझ में आ रही है, ओके। आगे आते हैं, एक और है हमारे पास क्या, परकोलेशन। तो परकोलेशन में क्या है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन इंक्लूड 5 स्टेप। इसके अंदर 5 स्टेप हैं। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, इसमें क्या हो रहा है, साइज का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कोर्स पाउडर से हम लोग उसे फाइन पाउडर, एकदम महीन पाउडर बना लेते हैं, जैसे घरों में डालते हैं ना पाउडर, कोर्स होता है दानेदार और फाइन हो गया, जैसे जो पाउडर जो घरों में डालते हैं हम लोग, छिड़कते हैं अपने ऊपर, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, इससे एक्सट्रैक्शन अच्छा होगा, सॉल्वेंट बहुत अच्छा घुसेगा उसके अंदर। टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ ड्रग, इससे क्या होगा, अंदर का सारा ड्रग बाहर आ जाएगा। स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ मैस्टम, अभी हम देखेंगे इसके अंदर जो इसका प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होगा, मैस्टम धीरे धीरे खिंचेगा, ऐसा नहीं बहुत तेजी से निकलेगा, मैस्टम धीरे धीरे निकलेगा तो उसे टाइम मिलेगा उसके अंदर रह करके डिसॉल्व करने में। यूनिफॉर्म पैकिंग, जब हम इसके अंदर अभी एपरेटस का इस्तेमाल करेंगे तो उस एपरेटस के अंदर पाउडर की पैकिंग जो होती है, मतलब जो केमिकल जो हमने पीस लिया उसकी पैकिंग यूनिफॉर्म अच्छे से हो जाती है, ठीक है। पहले स्टेप के बाद देन आता है हमारे पास इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन होता है फूलना, स्वेल होना, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, हम लोग क्या करेंगे, इसको मैस्टम में डालेंगे तो पहले पानी इसके अंदर जाएगा और ये ड्रग थोड़ा सा फूल जाएगा ना, पाउडर के अंदर पानी डाल दो थोड़ा फूल जाएगा। इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर 4 आवर इन अ क्लोज्ड कंटेनर, और 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इट इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, टू अवॉइड चोकिंग, कि ऐसा ना हो करके कि अगर पाउडर सूखा सूखा रहेगा तो चोक हो सकता है, मतलब कि क्या रहेगा कि पानी जो है मैस्टम डालेंगे वो चोक हो सकता है, जो अगर कोई एयर वगैरह बीच में तो हट जाए। अवॉइड वॉशिंग आउट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, है ना, ऐसा ना हो कि जो मैस्टम हम ऊपर से डालेंगे तो इस एपरेटस से यहाँ से निकलता हुआ जो महीन पार्टिकल वो छनते हुए बाहर ही आ जाए उसके अंदर से, ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना। तो जब हम उसको थोड़ा सा फुला लेंगे ड्रग को, गीला होने का जब वो फूल जाएगा, फिर हम करते हैं क्या, पैकिंग। तो देखो क्या रहता है, सबसे नीचे हम लोग क्या है, ग्लास वूल ले लेंगे, ग्लास वूल की जगह हम लोग कई बार फिल्टर पेपर भी ले लेते हैं। फिर यहाँ क्या डाल दिया, इतने हिस्से में ड्रग डाल दिया। ये ड्रग डालने के बाद फिर इसके ऊपर एक क्या रखते हैं, फिल्टर पेपर रखेंगे यहाँ पर, फिर इसके ऊपर एक क्या रखते हैं, फिल्टर पेपर, ठीक है, या वॉश्ड सैंड, है ना, सैंड, जिससे कि पानी आराम आराम से निकले। फिर उसके ऊपर क्या भर दिया हमने, मैस्ट्रम, और इसे बंद कर दिया। क्लियर है, तो देखो पैकिंग में क्या बता रहा है ये, आओ देखें जरा। आफ्टर इम्बाइबेशन ड्रग इज इवनली पैक, बैग नहीं है ये, पैक है एक्चुअली, इवनली पैक इन टू द परकोलेटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परकोलेटर, दिस इज परकोलेटर, ठीक है ना, देखा भी होगा बहुत से बच्चों ने। द फिल्टर पेपर प्लेस्ड ऑन द बॉटम टू सपोर्ट द कॉलम ऑफ ड्रग, यहां फिल्टर पेपर लिखा हुआ है, हम लोग उसकी जगह पे ग्लास वूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
द मॉइस्चर इन ड्रग इज प्लेस्ड ऑन द फिल्टर पेपर, द मॉइस्चर ड्रग, ठीक है, जो ड्रग क्या हो रखा है, गीला हमने इम्बाइब कर लिया था उसको इसके ऊपर रखेंगे हम लोग। ओवर द मॉइस्चर ड्रग अनदर फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड, एक दूसरा फिल्टर पेपर रखते हैं, हैविंग वेट ऑन इट, उसके ऊपर वेट रख देते हैं, जैसे कि ये रेत रेत रख देते हैं। देन मैस्ट्रम इज एडेड, क्लोज द लिड, फिर मैस्ट्रम ऐड कर दिया, क्लोज द लिड इफ मैस्ट्रम इज वोलेटाइल, अगर वोलेटाइल है मैस्ट्रम उड़ सकता है, अल्कोहल वगैरह है उड़ जाते हैं, तो हम लोग ढक्कन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, देखो पैकिंग होगी, फिर मैसरेशन, आफ्टर पैकिंग सफिशियंट मैस्ट्रम इज एडेड एंड कवर्ड विद लिड, ठीक है, काफी सारा मैस्ट्रम डाल देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। व्हेन लिक्विड बिगिन टू ड्रॉप, जैसे ही यहां से लिक्विड निकलना स्टार्ट होगा, लोअर ऑर्फिस इज क्लोज्ड, लोअर ऑर्फिस को हम लोग बंद कर देंगे। द परकुलेटर इज सेट असाइड 24 आवर, यानी कि इतनी देर के लिए यहां से क्या होगा, इसके अंदर से केमिकल निकल निकल के ऊपर से मैस्ट्रम इसके अंदर आएगा और मैस्ट्रम के अंदर केमिकल निकल निकल के जाएगा, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, ये मैसरेशन। नाउ फाइनली 24 घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑर्फिस जो नीचे का छेद था इसको ओपन कर देंगे, तो उससे क्या होगा, अच्छा खासा केमिकल आ चुका होगा उसके अंदर। आफ्टर 24 आवर लोअर ऑर्फिस इज ओपन एंड मैस्ट्रम इज कलेक्टेड विद अ कंट्रोल्ड स्पीड, बहुत तेज नहीं, कंट्रोल स्पीड बहुत धीमे धीमे रहता है। अंटिल 3/4 ऑफ द मैस्ट्रम इज कलेक्टेड, जब तक कि ऊपर जो मैस्ट्रम हमने डाल रखा है उसका 3/4 कलेक्ट ना हो जाए, 3/4, ठीक है। देन मोर मैस्ट्रम इज एडेड, और मैस्ट्रम फिर एड करते हैं, कलेक्ट फ्रॉम द लोअर ऑरिफिस, फिर उसके बाद और डालते हैं, इसे कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, सो दैट द मार्क डज नॉट बिकम, मार्क जो मार्क मतलब क्या, डज नॉट बिकम ड्राई, वो जब तक ड्राई ना हो, ड्राई ना हो जाए इसीलिए उसको अंदर डालते रहते हैं। देन मार्क इज प्रेस्ड, ठीक है, टू गेट एक्सट्रैक्ट विच इज कम्बाइंड विद द प्रीवियस लिक्विड, फिर उसको हम कंप्रेस करके उसको प्रीवियस लिक्विड के साथ जो हमने फिल्टर किया था ऊपर वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट से जो ड्रॉप ड्रॉप करके फिल्टर किया था, इस मार्क को निचोड़ लेते हैं, इसका लिक्विड और पुराना लिक्विड दोनों को मिक्स कर लेंगे। देन इट इज अलाउड टू स्टैंड एंड देन फिल्टर, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे, सारा सारा केमिकल नीचे बैठ जाएगा, फिर उसे फिल्टर कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, परकुलेशन प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस और है हमारे पास, डाइजेशन। डाइजेशन में कुछ नहीं होता, हम लोग कुछ केमिकल ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट के पार्ट ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से भी जल्दी क्या होते हैं, बाहर निकल के नहीं आते हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक कुकर टाइप का बर्तन लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, हीट प्लस प्रेशर, इससे इन दोनों की हेल्प ली जाती है, हीट की, हीट से तो हीट हो ही रहा है, प्लस प्रेशर, इस प्रेशर की हेल्प से क्या होता है, जो अंदर का केमिकल होता है सॉल्वेंट इजीली अंदर घुसता है, उस केमिकल को लेकर के बाहर आता है। तो डाइजेशन सिंपली कुछ नहीं, जैसे खाना बनाते हैं कुकर में, ठीक उसी तरीके से ये डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है, इसका मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसको मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर में जैसे हम हीट और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, तो डाइजेशन में भी किसका इस्तेमाल होता है, हीट और प्रेशर का इस्तेमाल होता है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास, ठीक है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने एक्सट्रैक्शन के बारे में सीखा, बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल है, बस थोड़े से मेथड है जो यहाँ पे तुमको याद करने पड़ेंगे। एक लेक्चर कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही इस चैप्टर को क्या कर दूं, मैं कवर अप कर दूं और 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, रिवीजन करना है। आवाज़ आ गई मेरे को, बच्चे ने बोल दिया सर हाँ रिवीजन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे और रिवाइज करेंगे तो चैप्टर जल्दी से याद हो जाएगा, क्लियर है। ऑल द बेस्ट।